हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक लोन देने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो कंपनी है लोन देती है, उसके बाद अगर कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है, तो अंडर वैल्यूड भी बोल सकते हो, टू सम एक्सटेंट प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर रिटेलर्स के बारे में बात करें तो 5% से भी कम निकल के आ रही है रिटेलर्स की होल्डिंग, मतलब हम आप जैसे लोगों की होल्डिंग। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी कंपनी है ये, कंपनी फंडामेंटली कैसी है, लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी कंपनी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, इनटेक कैपिटल लिमिटेड। कंपनी जो है वो मशीनरी लोन्स टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कस्टमर्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, लोन से रिलेटेड है कंपनी का जो मतलब धंधा है। मैं मार्केट कैप के बारे में बात करें, 34.2 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की। स्टॉक का पी जो है वो 2.15 है। आरओसी एंड आरओई काफ़ी शानदार निकल के आ रही है, 100% प्लस एक साल में रिटर्न देके जा रही है। बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रहा है, डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। उसके बाद अगर बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोज में सिर्फ यही है कंपनी जो है बुक वैल्यू से सस्ते में मिल रहा है। बाकी कॉन्स में बात करें, 5 साल की अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी है 5 सालों में। 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग -15% है। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 415 करोड़। कंपनी माइंड बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट। अर्निंग्स इंक्लूड एन अदर इनकम ऑफ 9.22 करोड़। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपनी जो है अच्छा खासा सेल्स मेंटेन कर रही है, लेकिन जैसे ऊपर लिखा था सेल्स जो है वो काफ़ी कम हो चुकी है कंपनी में। सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक नहीं आई है, तो देख सकते हो कभी कभार प्रॉफिट देती है, कभी कभार लॉस। यहाँ पे ज़्यादातर लॉस ही देखने को मिलेगा आप लोगों को। बाकी अगर यहाँ पे बात करें करंट TTM में, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपनी जो है वो पहले प्रॉफिटेबल थी, उसके बाद लॉस मेकिंग बन गई थी, अभी फिर से प्रॉफिटेबल बन चुकी है। करंट TTM में ऑलरेडी 16 करोड़ की प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी। और कंपनी की जो इंटायर 2021 की फाइनेंशियल ईयर की प्रॉफिट थी वो भी 18 करोड़ पॉजिटिव में था, मतलब 18 करोड़ की प्रॉफिट दिया था। तो कंपनी हो सकता है रिकवरी, मतलब कंपनी रिकवर कर चुकी है, रिकवरी शो कर चुकी है, और पहले की जैसा पहले से भी अच्छा प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है। पहले से अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी शो कर रही है। तो गाइज अभी बात करते हैं बैलेंस शीट के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, कंपनी के पास अनकंट्रोल्ड डेब्ट है, रिजर्व इंक्रीज हुआ है, बोरोइंग्स भी कम हुआ है, मतलब कंपनी जो है वो धीरे धीरे रिकवर कर रही है, लेकिन फिर भी बोरोइंग्स जो है अभी भी अनकंट्रोल्ड है। एक दिन में तो मतलब जीरो नहीं हो जाएगा, एक दिन में कंपनी ओवरनाइट तो चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो लोग जो है सब कुछ कंट्रोल में ला रहे हैं, वे आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, 1 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लो है कंपनी के पास। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 3 साल पहले जितनी थी अभी भी उतना ही है, प्रोमोटर्स और पब्लिक की होल्डिंग कांस्टेंट है। बाकी अगर बड़े बड़े प्लेयर्स के बारे में बात करें, बहुत सारे बड़े बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग है यहाँ पे, अगर ये सब कैलकुलेट करते हैं तो एग्जैक्टली 3.78% जो है वो हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग निकल के आ रही है कंपनी की तरफ से। तो चलिए अभी बात करते हैं कंपनी एक्चुअली फंडामेंटली कैसे। देखो वैसे अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, कंपनी फंडामेंटली रिकवरी कर रही है, रिकवर कर रही है, पहले लॉस मेकिंग थी, लॉस मेकिंग से धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन रही है, तो कंपनी जो है वो रिकवरी शो कर रही है, कंपनी इज स्लोली रिकवरिंग, ये आप लोग बोल सकते हो। अभी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म के बारे में पूछते हो, तो गाइज वो मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा के डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। तो चलिए देखते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, BSE में सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है ये, इंटेक कैपिटल की चार्ट खुली हुई है। और अगर एक साल के बारे में बात करें, एक साल में बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट किया है। देखो कंपनी रिकवरी कर रही है, तो कंपनी लॉस नहीं दे रही है। बाकी एक साल के बारे में बात करें, तो कंपनी जो है काफ़ी मतलब कंसोलिडेट किया है कंपनी एक साल में लगभग 10 से 20, मतलब ठीक है कंसोलिडेट किया। अगर किसी ने शॉर्ट टर्म लिया होगा तो अच्छा खासा मतलब रिटर्न तो बना के गया ही होगा कंपनी से। और अगर देखा जाए वो रिटर्न कब बनाया था, अगर ऐसा कुछ ट्रेड लेता है तो देख सकते हो 140%, 137%, 149% ये आराम से कमा के गया होगा कंपनी। तो शॉर्ट टर्म में गाइज आप लोग डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, एक साल में अच्छा खासा रिटर्न देके जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा एंट्री होना चाहिए आप लोगों के पास। तो उसके बारे में जब हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे तब मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कहाँ पे बाई करके जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो। अभी बात करते हैं लॉन्ग टर्म में ये कंपनी एक्चुअली कैसी रहेगी। देखो गाइस लॉन्ग टर्म में बात कर लेते हैं, बहुत ही पुराना कंपनी है, 2005 से है कंपनी। अगर बात करें 5 साल की पहले दिखाए थे आप लोगों को, 5 साल में कंपनी डाउन है। मैं अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हो, तो मैं आप लोगों से यही एक्सपेक्ट करूंगा कि एटलीस्ट 1 से 2 साल या फिर उससे भी ज़्यादा के लिए बाई कर रहे हो आप लोग। तो गाइस 5 साल का चार्ट आप लोगों के सामने है, मैक्स दिखाए थे आप लोगों को। तो गाइस देखो ये कंपनी है, कभी 111 रुपये भी टच कर दिया था कंपनी ने, ऑलमोस्ट 111, ये आप लोग देख सकते हो, ऑलमोस्ट 111 भी टच कर दिया था कंपनी ने कभी, और वहाँ से गिरा है कंपनी। पहले भी नीचे के लेवल पर ट्रेड किया था, यहाँ से अगर रिटर्न देखा जाए तो 6650% की रिटर्न
9,150% के रिटर्न कंपनी ने दिया था उस टाइम पे। उसके बाद एक शार्प टर्न के साथ नीचे गिरा कंपनी। रिटर्न के कंपैरिजन में ये जो गिरना है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गैस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सिर्फ 82% ड्रॉप हुआ है, और फिर से कंपनी जो है वो रिकवरी शो कर रही है, फिर से प्रॉफिटेबल बन सकती है इसी टाइम के अंदर। मतलब इस टाइम पे जितना प्रॉफिटेबल थी कंपनी अभी उतना ही बन सकती है। अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न चाहे मतलब आप लोगों को इतना भी रिटर्न मिल सकता है, ये जो 7,000, 8,000, 9,000% के रिटर्न भी आप लोगों को मिल सकता है अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में मतलब सही टाइम पे बाय करते हो तो। कंपनी मेरे हिसाब से तो मतलब सुधर गई है, कंपनी प्रॉफिटेबल बन चुकी है। वेट फॉर द सेप्टेम्बर क्वार्टरली रिजल्ट, अगर सेप्टेम्बर क्वार्टरली में भी प्रॉफिट दिखाती है तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कंपनी सुधर गई है, प्रॉफिट शो कर रही है कंपनी। बाकी आप लोगों के ऊपर है आप लोग लॉन्ग टर्म में लोगे या शॉर्ट टर्म में। तो चलिए अभी बात करते हैं कैसे जो है आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हो एंड स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE की एक क्या था BSE की डेली चार्ट खुली हुई है और आज ओपनिंग प्राइस पॉइंट पे ही क्लोजिंग हुई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जीरो की अप डाउन है, ₹19 के आसपास ये कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। बाकी अगर बात करें यहाँ पे सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स मेंशन किया हुआ है। स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स बताने से पहले मैं आप लोगों को एक लेवल बताना चाहूँगा। देखो गाइस अगर आप लोगों को ₹10 के आसपास मिल जाती तो आप लोगों के लिए बहुत ही सही रहेगा ये कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड्स। जब भी आप लोगों को ₹10 के आसपास मिल जाती या तो फिर 10 से 12 के आसपास, ये जो आप लोगों को ये दिख रहा है 12 के लेवल, ये भी आप लोगों के लिए बहुत ही सही रहेगा। बाकी अगर 12 के लेवल पे नहीं मिलती है तो गाइस मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि जितना हो सके 12 के आसपास बाय करने की कोशिश करो। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म में। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी सेम 10 से 12 के लेवल बेस्ट लेवल रहेगा। बाकी अगर वहाँ तक नहीं गिरती है कंपनी तो जितना हो सके उसके आसपास बाय करने की कोशिश करो। स्विंग ट्रेडिंग के सारे लेवल्स मार्क किया हुआ है तो गाइस आप लोग एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो इस लेवल को छोड़कर, क्योंकि ये जो है वो करंट मार्केट प्राइस है। बाकी सारे के सारे एक लेवल्स स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो या फिर कभी नोट डाउन भी करके रख सकते हो। देखो गाइस एक सिंपल सा फंडा है, कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले कन्फर्मेशन के लिए वेट करना है। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या है, ट्रेडिंग में एंटर मतलब स्टॉक में एंटर करने से पहले स्विंग ट्रेडिंग के मामले में स्पेशली कन्फर्मेशन के लिए वेट करो। अगर कोई रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज कर रही है तो रेजिस्टेंस के ऊपर जो कंपनी है वो क्लोज कर चुकी है, सक्सेसफुली रेजिस्टेंस क्रॉस कर चुकी है, उसकी रेजिस्टेंस के बाद एंटर करो। अगर ब्रेकआउट दे रही है कंपनी तो कन्फर्म ब्रेकआउट है, उसके बाद एंटर करो। अगर बाउंस बैक शो कर रही है किसी सपोर्ट के लेवल से तो सपोर्ट के लेवल से जो बाउंस बैक है वो कन्फर्म बाउंस बैक है, वो बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद एंटर करो आप लोग। ये रहेगा मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, अगर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए एंटर कर रहे हो तो बेस्ट इफेक्टिव वही रहेगा, कम से कम लॉस होगा आप लोग, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लॉस को प्रिवेंट कर सकते हो इस मेथड से। अभी बात करते हैं गाइस, देखो अगर ये कंपनी जो यहाँ से बाउंस बैक शो करती है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 20.75, 22.75 एंड 26.60। और अगर आप लोग ये जो ट्रेड मिस कर जाते हो और इसके ऊपर क्लोजिंग कर देते हैं 20.75 के ऊपर, तो 20.75 के ऊपर जो कंपनी है वो उसने क्लोजिंग किया है, रेजिस्टेंस सक्सेसफुली कंपनी ने क्रॉस कर लिया है, उसके कन्फर्मेशन के बाद बाय करके चलो फॉर द टारगेट्स ऑफ 22.75 एंड 26.60, ठीक है। और अगर यहाँ से कंपनी स्लिप कर जाती है देन तो आप लोगों को पता ही है बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाय करना फॉर दी अपर टारगेट्स। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दिखाती है तो आप लोगों का जो टारगेट रहेगा वो 16.6 का रहेगा, 18.1 का रहेगा। ये हो गया सारे के सारे स्विंग ट्रेडिंग के लेवल्स। बाकी कैसे ट्रेड लेना है, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, लॉन्ग टर्म ट्रेड्स लेना है, इन्वेस्ट करना है, किस स्विंग ट्रेड लेना है, वो तो आप लोगों के ट्रेडिंग स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप लोग इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो या स्विंग ट्रेडर हो। वो डिसीजन तो आपको ही लेना है, वो आप लोगों के स्टाइल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बाकी मेरा जो काम था मैंने सारे एंगल से कवर कर दिया। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइस, बाय गाइस एंड स्टे सेफ।